हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुल और बेसिक टेक हिंदी में मैं आपका स्वागत बात करने वाले हैं रियलमी बड्स वायरलेस के बारे में। गाइस, ये है रियलमी बड्स वायरलेस, ये इसका बॉक्स है। गाइस, मैंने इसको 8 महीने पहले खरीदा था, यानी 8 महीने इसको पहले खरीदा था और इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। गाइस, 8 महीने का मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि इसको मुझे 8 महीने खरीदे हुए इसका परफॉर्मेंस मेरे प्रति कैसा रहा, और मैं बताने वाला हूँ इसकी बैटरी लाइफ कैसी निकली 8 महीने के अंदर, और इसकी जो बेस है, क्वालिटी है। गाइस, अगर आप हमारे इस वीडियो पर आए हैं तो मैं जानता हूँ कि आप इस लीड को बाय करना चाहते होंगे। गाइस, अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, इसके साथ क्या क्या देखने को मिलता है। गाइस, इस बॉक्स के साथ देखने को मिलती है हमारी ये रियलमी बड्स वायरलेस, और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केस देखने को मिलती है, और इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर भी हमको एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि इसके अंदर हमें कुछ गाइडलाइंस बुक और एयर टिप्स एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये इसकी वारंटी, ये वायरलेस की कुछ गाइडलाइंस बुक देखने को मिलती हैं, इसके साथ हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके फीचर के बारे में, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगा, इसको मैंने बाय किया था ब्लैक और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में, और इसकी जो बनावट है वो मुझे अभी तक की बहुत ही अच्छी लगी। गाइस, अगर आप यकीन मानिए, गाइस बिलीव मी, कि ये जो वायरस वायरलेस है, आज तक मुझे इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। इस वायरलेस में आपको एक तरफ इसका पूरा मदरबोर्ड देखने को मिलता है, दूसरी तरफ पूरी बैटरी यहाँ पर पैक की हुई है, जिसलिए इसके प्रति इसका जो बैकअप है वो बहुत ही ज़्यादा निकल के आता है। और मैं बात करूँ इस फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट मुझे जो फीचर लगा है आज तक, वो लगा है इसका मैग्नेटिक फीचर, जो कि यहाँ पर जब इसको मैग्नेट को इसको वर्ड्स को दूर करते हैं तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और इसको जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं आपस में मैग्नेट को, तो ये अपने आप टर्न ऑन हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर ये इस फीचर के कारण इसकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत और ही अच्छी निकल के आती है। इसका जो बैटरी लाइफ मुझे लगा पूरी, मुझे अभी तक मैंने इसको यूज किया है, तो इसकी जो बैटरी लाइफ है वो मुझे 11 से 12 घंटे तक का ही बैकअप यार मुझे मिला है अभी तक। और अभी तक सच बताऊं तो मुझे इस ईयरफोन्स में किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आया। अगर और सब बात करूं कि अगर आप 1500-2000 के बीच में आप कोई भी ईयरफोन्स को लेना चाहते हैं, तो गाइस मेरा बिलीव कीजिए कि आप इस ईयरफोन की तरफ ज़रूर देखें। ये जो ईयरफोन है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, अभी तक मैंने जितने ईयरफोन्स खरीदे हैं उसमें से ये सबसे अच्छा लगा। और गाइस, आप जानते हैं कि मैं रियलमी के एक एक करके धीरे धीरे सब ईयरफोन्स को यूज़ कर रहा हूँ। ये है रियलमी बड्स 2, एक मैंने रियलमी बड्स भी खरीद रखा था, ये है रियलमी बड्स 2, ये है रियलमी वायरलेस, जिसकी वीडियो मैं अभी इसकी ओपिनियन अपने रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, और ये है रियलमी बड्स Q। यहाँ पर यानी कि मैं धीरे धीरे हर एक ईयरफोन्स का यहाँ पर टेस्ट करता हूँ, कुछ दिन बाद इसका भी मैं ओपिनियन शेयर करूँगा कि ये जो इसके कंपेरिजन में ये कैसा है, दोनों को बताऊँगा कि कौन आपके लिए बेस्ट है। बेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कूल है इसकी जो मेड, बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ। जब आप इसको लेंगे तो आप, मैं कहता हूँ कि आप इसकी तरफ ज़रूर देखें, और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये जो ईयरफोन्स है, सच मानिए फ्रेंड, कि ये आपके लिए जीवन साथी आपका बन जाएगा। इसको जो इसका इंटरफेस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, कि इसको आप 3 यहाँ पर आपको बटन देखने को मिलते हैं, जो कि आप इसको ऊपर प्रेस करके वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, गाने को प्ले पुश कर सकते हैं, और साथ में कॉल भी अटेंड कर सकते हैं, और इसकी जो बैटरी लाइफ वो तो ऑसम है ही। अभी तक मुझे इसका एक भी फॉल्ट नज़र नहीं आया। तो गाइस, ये था इसका ओपिनियन। अभी तक मैं बताऊं, ये इस ईयरफोन्स ने मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, किसी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं हुआ है इस ईयरफोन्स में। जैसा मैं यूज कर रहा हूँ उसी प्रकार से तैसे ये ईयरफोन्स है, बहुत ही है। इसको आप चाहें तो ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, ये टूटने वालों में से नहीं है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही केयर करने में बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो गाइस, आई होप कि आपको इस ईयरफोन्स के बारे में बहुत ही अच्छी ओपिनियन मेरी शेयर लगी होगी। गाइस, अगर मैंने कुछ इसमें कुछ मिस्टेक की हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने अपना ओनली एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा। गाइस, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से अगली वीडियो में रियलमी बड्स Q, इसका आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। इसको मुझे ख़रीदे ही अभी समथिंग 1 महीने के करीब हो गया है, थोड़ी देर बाद इसका ओपिनियन शेयर करूँगा कि क्या इसका अभी तक मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।